चलिए अब हम देख लेते हैं कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट होता क्या है। तो ये एक दो डेफिनेशन है छोटा छोटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देख लेते हैं यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट क्या होता है। तो इट इज़ डिनोटेड बाई सी यू, सी सफिक्स यू, इसको हम कैसे दर्शाते हैं, सी यू से इसको हम डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा सी यू इज इक्वल टू डी सिक्सटी, डी सफिक्स सिक्सटी अपॉन डी टेन, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। और ये डी सिक्सटी क्या है, डी टेन क्या है, हम आगे हम डिटेल में इसको हम बताते हैं आपको। चलिए सबसे पहले उसके बाद नोट देख लेते हैं। फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स, एक अच्छे ग्रेड में एक अच्छे साइज के ग्रेवल्स के लिए द वैल्यू ऑफ सी यू मस्ट बी ग्रेटर देन फोर। तो यह जो हमारा सी यू का जो वैल्यू आएगा इसको डिवाइड करने के बाद, अगर इसका वैल्यू चार से ज़्यादा है, चार से ज़्यादा आ रहा है तो हमारा वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स कहलाएगा। अगर वैल्यू हमारा चार से कम आ रहा है तो ये हमारा वेल ग्रेडेड नहीं कहलाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं फॉर वेल ग्रेडेड सैंड, यहाँ पे क्या था, पहला में फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स, दूसरा में हमारा एक वेल ग्रेडेड सैंड के लिए वैल्यू ऑफ सी यू मस्ट बी ग्रेटर देन सिक्स। जो हमारा सी यू का जो वैल्यू होना चाहिए वेल ग्रेडेड सैंड के लिए उसका छः से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए ये तो था हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट। दूसरा हम देख लेते हैं कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई सी सफिक्स सी, और इसका फॉर्मूला होता है डी थर्टी का स्क्वायर अपॉन डी सिक्सटी इंटू डी टेन। और चलिए देख लेते हैं हमारा डी टेन क्या होता है, डी सिक्सटी क्या होता है। तो देखिए डी टेन क्या होता है, 10% ऑफ सॉयल सैंपल इज स्मॉलर देन सीव साइज। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक हमारे पास सीव है, चलिए अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक चलनी है मतलब सीव है, और इसका साइज 4.75 mm है। अगर हम इस पे से अगर सॉयल मास अगर हम पुट करते हैं 1 kg का, अगर हम 1 kg अगर सॉयल मास इसमें हम पास कराते हैं, तो देख लेते हैं अगर हम 1 kg अगर सॉयल सैंपल को 4.75 mm से पास कराते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 10% अगर 10% टू द वेट पास हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डी टेन। देखिएगा अगर 1000 ग्राम है इसका 10% कितना होगा, तो 10% के लिए 10/100 इंटू टोटल हमारा वेट कितना है 1000 है, तो यहाँ से अगर हम इसको कट कर दें इसको यहाँ पे, तो बचा कितना हमारा 100 ग्राम। अगर हम 1000 ग्राम में से अगर हम इसको पास करा रहे हैं 4.75 mm सीव से, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 100 ग्राम से ज़्यादा अगर यहाँ पे सॉयल सैंपल यहाँ नीचे पास हो गया तो क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा डी टेन। तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि डी टेन को हम दूसरा नाम से क्या हम बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम होता है इफेक्टिव साइज डायमीटर। चलिए डी थर्टी क्या होता है, 30% ऑफ सॉयल सैंपल इज स्मॉलर देन सीव साइज। चलिए हम सीव साइज कितना भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। अगर हम 4.7 यहाँ पे हम 2.36 mm भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। चलिए अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं डी थर्टी क्या होता है। तो अगर हम 1000 ग्राम सैंपल लिए हैं, अगर इसको अगर हम यहाँ से पास कराते हैं 4.75 mm से, अगर इस वेट से 30% अगर पास हो जाता है इस सीव के थ्रू, तो हम क्या बोलेंगे डी थर्टी बोलेंगे। तो चलिए 30% निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 30/100 इंटू कितना वेट है हमारा 1000 वेट है, तो यहाँ से यहाँ ये है ये, तो हमारा कितना बचेगा 300 ग्राम। अगर हमारे पास 1000 ग्राम है यहाँ पे, अगर यहाँ से इसमें से 4.75 mm से जब हम पास करा रहे हैं, तो अगर नीचे पे अगर हमारा 300 ग्राम अगर पास हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा, तो क्या कहलाएगा हमारा डी थर्टी कहलाएगा। और डी सिक्सटी क्या होता है, 60% ऑफ सॉयल सैंपल इज स्मॉलर देन सीव साइज। तो अगर हम 1000 ग्राम लेते हैं, तो अगर इसको हम सीव साइज अगर 4.75 mm से पास कराते हैं, तो इस वेट से अगर 60% सॉयल सैंपल सॉयल जो लिए हैं अगर पास कर जाए, अगर छोटा है अगर स्मॉलर है, स्मॉल होगा तभी तो पास करेगा ना। तो अगर हम 60% की बात करते हैं डी सिक्सटी का, तो 60/100 इंटू कितना लिए हैं अगर 1000, तो यहाँ से यहाँ ये और ये, और ये क्या बचेगा 600 ग्राम। अगर हम अगर 1000 ग्राम को अगर हम पास कराते हैं इस सीव से, तो अगर नीचे हमारे पास 600 ग्राम या उससे ज़्यादा अगर पास हो जाता है सॉयल सैंपल, तो क्या कहलाएगा हमारा डी सिक्सटी। पास कब करेगा, जब ये हमारा छोटा होगा सॉयल पार्टिकल इस सीव से, तभी पास करेगा। तो चलिए ये था हमारा कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर, और ये फॉर्मूला होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में बहुत बार पूछ देता है कि हाँ राइट शॉर्ट नोट ऑन यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट और दूसरा हमारा कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर। चलिए थैंक यू गाइज, ये था हमारा जियो टेक्निकल का सेकेंड यूनिट।
कल से हम देखेंगे यूनिट थर्ड। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए डेली हम अब वीडियो आएगा हमारा और डेली हम कम से कम एटलीस्ट वन यूनिट कंप्लीट हम कराएंगे हर एक सब्जेक्ट से। तो कल हम देखेंगे यूनिट थर्ड सॉइल मैकेनिक्स या फिर जियो टेक्निकल का। चलिए थैंक यू गाइज़।